वो सबूत ईशानी ने इकट्ठे किए थे। उसने मुझसे वादा किया था कि वो कुछ भी करेगी पर मुझे जेल से रिहा करके रहेगी। हो सकता है, पर उस बॉक्स पर एनएसए मेडिकल रिसर्च एंड सेंटर का लोगो लगा हुआ था। वो कोई भी लोगो, पर मैं इतना जानता हूं कि ये सबूत ईशानी के अलावा और कोई नहीं ढूंढ सकता। उसने कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ गवाही दी, तुम्हें ऑलमोस्ट खूनी साबित कर दिया। तुम्हें फिर भी लगता है कि उसी ने ये सब कुछ किया? शिखर, ये बात तो मैं पहले से जानता था कि कोर्ट में उसने झूठी गवाही दी है। वो इसलिए क्योंकि मुझे बचाने के लिए किया था उसने सब। मैं समझ गया था कि जरूर उसके मन में कोई ना कोई प्लान चल रहा है, और उसी दौरान वो सबूत भी इकट्ठे कर रही थी, और वही सबूत उसने तुम्हारे पास भेजे ताकि तुम कोर्ट में पेश कर सको। शिखर, ईशानी ने इस एक महीने में दिन रात एक कर दिया, कितने सारे सैक्रिफाइसेस किए सिर्फ इसलिए ताकि मैं घर वापस आ सकूं। आज उसने साबित कर दिया कि जो उसने वादा किया था उसने पूरा करके दिखाया। शिखर, मैं उसे बचपन से जानता हूं, पर वो कब क्या करेगी कभी कभी मैं भी नहीं जान पाता, पर इतना जानता हूं कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरी खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आज समझ में आ रहा है कि मैं क्यों उसे इतना प्यार करता हूं और क्यों मेरी आशिकी सिर्फ उसी से है। शिखर, मैं चलता हूं, मैं और इंतजार नहीं कर पाऊंगा, मुझे उससे मिलना है। वो घर में मेरा इंतजार कर रही होगी। ओके, तुम दोनों बहुत वक्त के बाद मिलने वाले हो, लगता है तूफान आने वाला है। तूफान तो टल गया। अलमारी खाली क्यों पड़ी है? वो क्या रहा है? घर में कोई है ही नहीं। ईशानी की अलमारी में कोई कपड़े नहीं। जवाब दो माला, ऐसा हो क्या रहा है? ये भाभी ने दिया आपको देने के लिए। क्या ये? आपके डिवोर्स पेपर। भाभी ने कहा था कि आपने आपका डिवोर्स पहले ही भर दिया था,
पेपर्स पे आप दोनों के साइन भी है, उन्होंने इसे अदालत में जमा कर दिया। अब आपका डिवोर्स हो चुका है। उन्होंने कहा है कि उनकी और आपकी शादी टूट चुकी है और अब उनका आपसे कोई रिश्ता नहीं। ईशान है तुमसे सबका, और वो चाहती है मैं उसकी बात पर विश्वास कर लूं। देख सर, ये सब बोलने के लिए उसने तुम्हें कितने पैसे दिए? हाँ, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। मैंने वही कहा जो यहाँ हुआ है। ईशान है भाभी ने खुद मुझे ये पेपर आपको देने के लिए कहा है, खुद देख लीजिए। बड़ी बात भैया, शान भाभी बहुत बुरी बन गई थी, कोई अपने दुश्मन के साथ भी ना करे। ऐसा क्या किया उसने? आपको इस घर में कोई भी नजर नहीं आ रहा ना। कोई भी इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ कोई है ही नहीं। उन्होंने आपके माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया। क्या तो वो नहीं, यहाँ से घसीटते हुए ले गई। तो मुझे ड्राइवर मनोज है उसने बताया कि वो उन्हें पागल करने ले गई। मुझे अंबार कैलाश वगैरह से मिलना है, कहाँ है वो? सर मीटिंग टाइम इज ओवर, आप कल आ जाइए। बाहर में गया तुम्हारा विजिटिंग टाइम। आप कैसे बात कर रहे हो? ऐसे ही बात करूंगा मैं, मेरे माँ बाप आए, वो कहाँ है वो? उन्हें लेने के लिए आया हूँ मैं। सिक्योरिटी माँ बाबा नहीं पहनना है मुझे, ले जाओ ये सब। अरे कान अपने नहीं पहनना है, ले जाओ सपने सबके। बेटा तू आ गया। अब देखिए माँ का संभव, आप चलिए बेसा। अरे रुकिए, रे अब कहाँ लेके जा रहे हैं इनको? अरे छोड़ ले, छोड़ ले, छोड़ मेरे मामा को, छोड़ो ये इनको। देखिए रुकिए, आप इन्हें नहीं ले जाएंगे, और अगर आप यहाँ से नहीं गए तो मैं क्या कर लोगे तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाप को यहाँ पे रखने की? दिखाओ मुझे वो रिपोर्ट, दिखाओ जहाँ पर ये लिखा है कि मेरे माँ बाबा पागल है। और अगर तुम्हारे पास इन्हें यहाँ रखने के ऑर्डर्स नहीं है तो मैं तुम्हारा हॉस्पिटल बंद करवा दूंगा। देखिए हमारे पास सारे पेपर्स है, इनफैक्ट आपकी बीवी ने सब पेपर्स लाके दिए, और उन्होंने इन दोनों को एडमिट किया है और कहा है कि ये पागल है, और हमारे पास इन्हें रखने का पूरा ऑर्डर है। और आपको चिल्लाना है तो अपने बीवी पे चिल्लाइए, हम पर क्यों? बीवी नहीं है वो मेरी। नहीं 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 नहीं, चल चल घर चलते, चल चल घर चल। हाथ किसे लगाए तुमने मुझे? ना ही तुम्हारे पास शक्ल है, बिजनेस में तुम पीछे हो चुके, उसके साथ रह के मैं क्या करूं? तो प्लीज मुझे माफ करो और अपने आप से रिहा करो। दिस रिलेशनशिप इज ओवर। अपनी आंखें बंद करके रखी थी बाबा, मुझे वो धोखा दे रही थी, मेरी मजबूरी मेरी बीमारी का फायदा उठा रही थी। अरे मैंने तो अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी, ये सोचकर कि अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है तो वो आप लोगों को संभालेगी। पर मैंने जैसे सारी प्रॉपर्टी उसके नाम की, क्या किया उसने? कोर्ट में मेरे खिलाफ झूठी गवाही दी, आप लोगों को घर से बाहर निकाल दिया। अरे क्यों किया उसने ऐसा? फिर अगर उसे पैसे ही चाहिए होते तो मुझे पहले ही बोल देती, मैं वैसे सब कुछ उसके नाम कर देता। झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, धोखा देने की क्या जरूरत थी? अरे कोर्ट में जेल में मां हर जगह पे मैं उसके लिए लड़ता रहा, सबको मैं यही बोलता रहा कि मेरी निशानी कभी गलत नहीं हो सकती।
जब कोर्ट में मेरे खिलाफ उसने झूठी गवाही दी ना, तब भी मुझे लगा कि जरूर कोई ना कोई मजबूरी होगी, मुझे बचाने की कोई चाल होगी, पर ये मुझे बचाने की कोई चाल नहीं थी, कि मुझसे मेरा सब कुछ छीनने की चाल थी, जिंदगी भर जेल में सड़ाने की चाल थी। उसने जो किया सो किया, पर अब जो मैं करूंगा ना, जो उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ, अब मैं उसे कभी माफ नहीं मांगूंगा। उसने आप लोग के साथ इतनी ज्यादती की, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, सब खत्म हो गया। कल तक सब कुछ था मेरे पास, पर आज आज कुछ भी नहीं है। सब कुछ है तेरे पास, हम तेरे साथ, अरे वो तो तेरे पास कभी थी ही नहीं, और जो कभी था ही नहीं उसके बारे में क्या सुन, जाने दे उसे। अब है तेरे साथ, हाँ, तेरा परिवार, तेरी ताकत, तेरी हिम्मत, हम सब है तेरे साथ। दिक्रा, अगर तू चाहे ना तो फिर से सब कुछ शुरू कर सकता है, फिर से नई जिंदगी शुरू कर सकता है, सब कुछ बना सकता है। दिक्रा, हम है तेरे साथ। हमारे साथ ऐसा पहले भी हुआ, जब हमें उस घर से निकाला गया था, तब तूने अपने गुस्से को अपनी ताकत बनाकर अपने दम पर पैसा और नाम सब कुछ हासिल कर लिया। इस बार भी बेटा हिम्मत मत हारना, उसके धोखे को अपनी ताकत बना और फिर से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर, क्योंकि बेटा जिंदगी में जिंदगी से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। तू उसके बारे में सोच भी मत, जिसने तेरा ये हाल किया। अरे उनके बारे में सोच, जिन्होंने तेरा साथ दिया, तेरी मदद की, तेरी कदर की, तेरा भरोसा किया। वो लोग, उन लोगों ने मुझे फांसी से बचाया, मेरी मदद की। जब ईशानी मुझे जेल छोड़कर आई थी, तो इन्हीं लोगों ने मुझे जेल से छुड़ाया भी। जब शिखर को वो सारे सबूत मिले थे, तो मुझे ऐसा लगा कि वो सबूत ईशानी ने दिए। ये काम ईशानी का नहीं, किसी और का है। किसका बेटा? कौन था वो जिसने तेरी जिंदगी बचाई? मैं नहीं जानता बाबा, पता नहीं कौन होगा वो, जिसे मेरी इतनी फिक्र है, जिसने मेरी बीमारी का इलाज करवाया, मुझे इस केस से बाइज्जत बरी करवाया। और क्यों किया होगा उसने? क्योंकि दुनिया में अभी भी इंसानियत बाकी है बेटा। बेटा जब जिंदगी में किसी एक तरफ अंधेरा होता है ना, तो एक तरफ रोशनी भी होती है। तुझे अब सिर्फ उस रोशनी की तरफ देखना है। हाँ बाबा, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे उनके बारे में पता करना होगा, उनका शुक्रिया अदा करना होगा। मैं तो नहीं जानता हूं, पर इस वक्त मेरे लिए वो लोग परिश्रय से कम नहीं। शिखर ने भी कहा था कि उसे भी नहीं मालूम है कि एनएसए रिसर्च सेंटर का होना कौन है। यहाँ किससे पूछूं? हो सकता है इनमें से कोई, पूछ कर देख लो। एक्सक्यूज मी, क्या आप लोगों में से कोई जानता है कि एनएसए रिसर्च सेंटर का ओनर कौन है? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? मुझे लगता नहीं कि अभी वो यहाँ है, फिर भी वो यही कहीं होंगे। देखिए रेड ड्रेस में। थैंक यू। या वेलकम। हेलो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई एम मिसेस निर्भय सिंह। या आई नो, शादी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। देखिए ना, आज दोपहर को हमारी शादी हुई, शाम को आप लोग हमारी खुशियों में शामिल होने आ गए। It really means to both of us. Thank you so much.
झूठी मक्कार एक नंबर की धोखेबाज तो वह मेरी पत्नी बनके मुझे धोखा देती थी पर यहाँ पर किसी और की पत्नी बनकर बैठी। तुम्हें हिंदी नहीं समझ में आती क्या? बोला था ना मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, बोला था ना मेरे पीछे मत आ, फिर क्यों आए हो यहाँ पे, क्यों आए हो? तुम्हें ढूंढते हुए नहीं आया मैं यहाँ पे, मैं तो चाहता भी नहीं था कि तुम मेरी लाइफ में वापस आ। नहीं एक सेकंड, आई एम सॉरी, अरे तुम तो मेरी लाइफ में कभी थी नहीं, तो जब थी नहीं तो मेरी लाइफ में वापस क्या आओगी? पूरी लाइफ में इस गलत फहमी में रहा कि तुम एक दिन मेरी होगी, और जब तुम मेरी हो गई तो मैं उस उम्मीद में रहा कि एक दिन तुम मुझसे कहोगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और जिस दिन तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो तब से लेकर आज तक मैं अपने प्यार के साथ नहीं हूं बल्कि एक धोखे के साथ जी रहा हूं। काश मुझे पता होता कि कुछ धोखे इतने खूबसूरत होते कि वो आपकी आंखों के सामने होते हैं लेकिन आप उसे पहचान ही नहीं पाते। उस दिन कोर्ट में जो तुमने बोला सो बोला, मुझे यकीन था कि मेरी ईशानी कभी गलत नहीं हो सकती, वो मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकती, पर वो मुझे जेल के सलाखों से बाहर निकाल के रहेगी, जरूर कोई ना कोई मजबूरी होगी, कोई ना कोई तुम्हारी चाल होगी जिससे तुम मुझे बचा लोगी। भरोसा था मुझे अपने प्यार पे, अपनी ईशानी पे, जो दिन में 20वीं बार बोलती थी कि मेरी आशिकी तुमसे, आज इस बात का भरोसा हो गया कि जहां प्यार एक तरफा होता है ना वहां दूसरी तरफ सिर्फ धोखा ही होता है। क्या जरूरत थी मेरे माँ बाप के साथ ऐसा करने की जो तुम उनको पागल खाने छोड़ गए? अरे धोखा ही देना था ना तुम्हें तो मुझे धोखा देती ना, किस बात का बदला ले रही हो तुम? हो गया तुम्हारा, मैं कुछ और भी बोल रही हूँ। मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देना जरूरी समझती नहीं हूँ, जानते हो क्यों? क्योंकि तुम मेरे लिए मैटर ही नहीं करते, और जो चीज मैटर करती है वो तुम्हारे सामने सी नाइस ना? देखो रणवीर, आज मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल दिन, खुश रहना चाहती हूँ, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं आज का दिन तुम्हारी वजह से याद रखूं। तो अपनी एक घिनौनी शक्ल लो और निकलो यहाँ से, जा रहे हो अपने पति को बोल के थक के मार के निकलवाओ।